हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BHU कैंपस। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस देख लिए थे। आज ये दूसरा पार्ट है BHU BA के क्वेश्चन पेपर का, और इसमें हम लोग उसके आगे यानी क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे और 100 तक कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 51 आज का पहला, और इस क्वेश्चन पेपर का 51वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, प्रदूषण के संदर्भ में कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में क्या गलत है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से जो पहला है, सामान्य वर्षा को यह थोड़ा अम्लीय बना देता है, ये तो सही बात है। इसके बाद है, विश्व में पुर्तगाल सर्वाधिक CO2 उत्सर्जित करता है। अच्छा, अगला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है, यह एक प्राथमिक प्रदूषण है। ये भी सही है, ये भी सही है। CO2 का हिमीबू ठोस स्वरूप शुष्क बर्फ कहलाता है, मतलब द फ्रोजन सॉलिड फॉर्म ऑफ CO2 इज नोन एज ड्राई आइस। ये भी सही बात है। तो पूछ रहा है कि क्या गलत है, तो इसमें से ये वाला जो दूसरा ऑप्शन है यही गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में दिल्ली एक वायु प्रदूषण से खतरे में थी, जिससे दृश्यता एवं लोगों की श्वसन प्रक्रिया प्रभावित हुई। निम्नलिखित में से यह किसके द्वारा उत्पन्न हुई थी। दोस्तों, ये धूम्र कोहरा, मतलब जो स्मॉग होता है, उसके द्वारा हुई थी। कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, इसका राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि की समस्या का सामना कर रहा है। ऑप्शन में हंगरी, यूक्रेन और सोमालिया है। तो जो हंगरी और यूक्रेन है, ये दोनों नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि का समस्या का सामना कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ए और बी, यानी कहाँ गया ए और बी, ये हो गया हम लोग का दूसरा वाला, ए एंड बी, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं, मतलब गलत है। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या को 6 अरब से 7 अरब होने में 12 वर्ष लगे हैं। जी हाँ, ये तो सत्य बात है, एकदम सही बात है ये। अगला है, भारतीय जनसंख्या में वर्ष 2001 से लेकर 11 के बीच इतना करोड़ अति जनसंख्या। अगला है, 1911 से 1921 के दशक में भारत की जनसंख्या दर में गिरावट आई थी। ये भी सही बात है। वर्ष 2011 में भारतीय जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का हिस्सा इतना था। ये भी सही है, एंड इसमें गलत कौन सा हुआ, ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ये सही नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है, आंसर है, वो हो जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि थी। जो भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि थी वो थी 1951 से लेकर 1981, ये रहा ऑप्शन नंबर तीसरा वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, किसने लिखा था, जनसंख्या जब नियंत्रित न हो तो ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, निर्वाह केवल अंकगणितीय अनुपात में बढ़ता है। तो जो ये कहा था, रॉबर्ट माल्थस कहाँ गया, ऑप्शन ये रहा, थॉमस रॉबर्ट माल्थस, तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन सूत्र प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का द्योतक है। तो जो इसका राइट आंसर है वो पहला वाला है, जन्म और मृत्यु, बर्थ माइनस डेथ, यही है जनसंख्या वृद्धि का द्योतक। तो तक मतलब फॉर्मूला जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला नहीं, डिनोट इसका मीनिंग है, जो द्योतक शब्द है कौन सा ये डिनोट करता है। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन आप लोग फिर से क्वेश्चन का पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है। यहाँ पे देखिए, राज्य ना पूछ के महानगर पूछा गया है, तो जो मुंबई है उसमें उसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 59, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करना है, गलत कथन चुनिए। पहला है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, एकदम सही बात है, तो ये तो नहीं है। सौरमंडल में शनि का दिन सबसे लंबा होता है, यही गलत है इसका। तो इसका जो राइट आंसर है यही हो जाएगा दूसरा वाला, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें भी आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, सेलेक्ट करना है, अशुद्ध कथन चुनना है। सौरमंडल में ओरियन आर में स्थित है, ये तो सही बात है, सौरमंडल ओरियन आर में स्थित है, एकदम सही। सौरमंडल लगभग 6.6 बिलियन वर्ष पूर्व बना, यही गलत है।
क्योंकि हम अपन को ये ठीक से इसका जो ये है वो गलत दिया है। क्वेश्चन नंबर 61, अपनी अक्ष पर एक घूर्णन के लिए पृथ्वी द्वारा लिया गया समय। क्वेश्चन नंबर 61 है, कितना लगता है आपको पता होना चाहिए, 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड लेता है। इसी की जो एक्स्ट्रा सेकेंड है, इन्हीं की वजह से लीप ईयर वाला 4 साल में आता है, जो ये एक्स्ट्रा सेकेंड है इसी की वजह से 4 साल में ये एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 62, ग्रहों का उनके प्राकृतिक उपग्रहों की घटती संख्या के अनुसार सही क्रम। तो आप लोग कुछ ऑप्शन जल्दी से बता दीजिए कौन सा है, कमेंट में इसका जवाब दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 62, जी हाँ आप लोगों ने सही समझा, इसका जो राइट आंसर है बृहस्पति शनि अरुण, ये उपग्रह की घटती हुई संख्या के क्रम में है। 63, हाल ही में नासा द्वारा खोजे गए सौर मंडल जहाँ 3 ग्रहों पर जीवन हो सकता है को क्या नाम दिया गया है। जी हाँ, ये तो उस टाइम के जीके के हिसाब से है, तो उसको नाम दिया गया था TRAPPIST-1, ये रहा लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। 64 क्वेश्चन, धरातल के संपर्क में वायु गर्म होकर धारा के रूप में ऊपर उठती है और वायुमंडल के तापमान को प्रसारित करती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो ये प्रक्रिया है दोस्तों वो कहलाती है संवहन, कहाँ गया, ये रहा संवहन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सामान्य पतन दर कौन है जिस पर क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है। जी हाँ, ये है 6.5 डिग्री प्रति 1 किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर मतलब यहाँ पे दिया गया है 1000 मीटर, तो ये रहा दूसरा ऑप्शन सही, ठीक है। 66 क्वेश्चन नंबर, भारत के निम्नलिखित प्रदेशों में से किस में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किस में होती है, उत्तर पश्चिम में, राइट आंसर है उत्तर पश्चिम। कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है, जी हाँ आपसे पूछा गया कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है, मैग्नेटाइट भी है, तो जो लास्ट ऑप्शन है लिग्नाइट, यही नहीं है, एक लौह अयस्क नहीं है। बैडाडिला निम्नलिखित में से खनिजों में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 68, ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कहाँ गया लौह अयस्क, ये रहा चौथा नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कोलार किसके लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ दोस्तों, कोलार जो है वो सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है, आपने गेस कर लिया होगा पहले ही, सबको पता है कोलार की खाने सोना के लिए। क्वेश्चन नंबर 70, परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को संबंधित राज्यों से मेल कीजिए और सही उत्तर चुनिए। तो इसमें जो काकारपारा है गुजरात के लिए, ये इसका राइट सुमेल है, मतलब राइट ऑप्शन है, इसका आंसर है। बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है, बॉम्बे हाई दोस्तों प्रसिद्ध है किसके लिए, पेट्रोलियम के लिए, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, पेट्रोलियम। इसके बाद है निम्नलिखित खनिजों में से कौन सुंदरगढ़ है जो कि उड़ीसा में है, में नहीं पाया जाता। जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा खनिज सुंदरगढ़ में नहीं पाया जाता, तो वहाँ पर डायमंड यानी हीरा नहीं पाया जाता, तो यहाँ पर लास्ट ऑप्शन है हीरे का अयस्क, ये वाला इसका हो गया राइट आंसर। अगला है RH फैक्टर किस में पाया जाता है। दोस्तों जो RH फैक्टर है वो रक्त में पाया जाता है, ठीक है। अगला है रॉड्स एंड कोन्स किस अंग के भाग हैं। जो रॉड्स एंड कोन्स जो भाग हैं ये आई के यानी आँख के भाग है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75, हृदय के ऊपरी कक्षों को कहते हैं। जो हृदय के ऊपरी कक्ष होते हैं दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए बताइए, ऑरिकल्स कहते हैं। ऑरिकल्स देखिए किधर है, ये रहा पहला ऑप्शन, ठीक है। अगला है पित्त का उत्पादन किस अंग द्वारा होता है। सबको पता है ये क्वेश्चन, जिसने भी थोड़ी बहुत बायो पढ़ी है सबको पता है, लीवर से पित्त का उत्पादन होता है और उसी से पित्त रस निकलता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है और जनरली और दूसरे एग्जामों में भी पूछा जाता है, सबसे लंबी अस्थि बताइए जल्दी से। जी आपने एकदम सही बताया, फीमर होती है, जो जांघ की हड्डी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्नायु तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं न्यूरॉन, ये रहा न्यूरॉन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अस्थि एवं दांत बनाने में सहायक होता है।
जल्दी बताइए, सबको पता है, सबको पता है, जल्दी बताइए। अस्थियों में दांत बनाने में विटामिन जी, यहाँ डी, विटामिन डी सहायक होता है। ठीक है ठीक है। हीमोग्लोबिन में निम्न में से क्या पाया जाता है, बताइए बताइए। इसमें होता है हीमोग्लोबिन में मेनली आयरन होता है। ठीक है। धूम्रपान से किस अंग का कैंसर होता है, आप लोगों ने ऐड भी देखा होगा इसका, धूम्रपान से फेफड़े का कैंसर होता है। विडाल टेस्ट किस रोग को जानने हेतु किया जाता है, जो विडाल टेस्ट है दोस्तों वो किया जाता है किसके लिए, टाइफाइड के लिए। कहाँ गया टाइफाइड अपना, ये रहा तीसरे ऑप्शन में। ठीक है। अगला है 83, मनुष्य में अंडाणु व शुक्राणु का निषेचन कहाँ पर होता है, वायु का क्वेश्चन है, जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसका निषेचन वहीं पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फैलोपियन ट्यूब। 84 क्वेश्चन नंबर, मनुष्य के फेफड़े में वायु विनिमय कहाँ पर होता है, दोस्तों ये होता होता है एल्वियोलाई में, इसका जो राइट आंसर है वो पहला वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक अंतःस्रावी विकार नहीं है, जी हाँ स्कर्वी एक अंतःस्रावी विकार नहीं है, बाकी सब है। ठीक है। रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से कौन सी बीमारी होती है, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से क्या होती है, एनीमिया। ठीक है। निम्नलिखित सॉरी किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है, रिकेट दोस्तों होता है किस विटामिन की कमी से, जी हाँ आपने एकदम बताइए सही बताया है, विटामिन डी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया द्वारा प्रभावित होता है, तो मलेरिया द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, जी हाँ स्प्लीन प्रभावित होता है, इसका राइट आंसर है स्प्लीन। ठीक है। फूड फॉर वर्क कार्यक्रम का पुनर्गठन, राइट आंसर, इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 89, जी हाँ आपने सही बताया, IDLED फर्स्ट ऑप्शन इसका जो है वो सही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90, गेहूं का समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने का मुख्य लक्ष्य क्या है, जी हाँ दोस्तों इसका मैं आपको चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ, जो इसका राइट आंसर है वो ये है कि कुछ हद तक मूल्य में गिरावट की जांच के लिए, इसका यही राइट आंसर है। ठीक है। 91 पे आ गए हम लोग। ठीक है। चौक एवं त्रिभागी मुद्राएं किस नृत्य शैली से संबंधित है, ये ओडिसी से संबंधित है, आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, सिद्धेंद्र योगी किस नृत्य शैली से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 92, जी हाँ ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जत्रा मंचन शैली किस प्रांत से संबंध है, तो जो जत्रा मंचन शैली है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, रावण छाया किस प्रांत से संबंधित है, जो रावण छाया है दोस्तों, जी हाँ ये भी ये उड़ीसा से संबंधित है। भारतवर्ष में कितने वैश्विक धरोहर स्थान हैं, जो इंडिया में हैं वो वैश्विक धरोहर स्थान हमारे हैं कितने, जी हाँ 32, ये रहा 32। ठीक है। आगे चलते हैं। खजुराहो के मंदिर में सबसे विशाल मंदिर है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, जी हाँ वो एक कंदरिया महादेव है, शंकर जी का मंदिर वहीं सबसे विशाल है। 97 पे आ गए हम लोग। ध्रुव सामिनी के लेखक, जल्दी बताइए ध्रुव सामिनी के लेखक, एकदम सही बताया आपने, जयशंकर प्रसाद ही हैं सबको पता है। ट्रुथ इज गॉड इसके लेखक कौन है, बताइए 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 जल्दी, जी हाँ इसके लेखक है MK गांधी। 99 पे हम लोग आ गए हैं। एक क्वेश्चन और फिर ये वीडियो समाप्त होगा, इसके अगले वीडियो के लिए आप लोग को एक दो दिन वेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 99, वरदे वीड़ा वादिनी वरदे ये किसने लिखा है, जल्दी बताइए, आपने 6, 7, 8 में अगर यूपी बोर्ड से हैं तो इसको पढ़ा होगा, ये जो पोएम है वो फर्स्ट चैप्टर में ही थी, जल्दी बताइए, जी हाँ एकदम सही बताया आपने, ये निराला जी की लिखी हुई कविता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर,
कड़ाद किस दर्शन के प्रणेता थे? बताइए बताइए जल्दी से। जी हाँ, ये थे वैश्लेषिक, सॉरी वैसेयिक। ये इसका जो राइट आंसर है वो चौथा वाला है। चलिए एक क्वेश्चन इसमें और कर लेते हैं, लास्ट 101। चैतन्य का दर्शन है, बताइए जल्दी से चैतन्य का दर्शन क्या है? दर्शन मतलब फिलॉसफी क्या है उनकी, बताइए। जी हाँ, वो था अचिंत्य भेदभाव। इसका जो राइट आंसर है वो तीसरा वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगला पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, या फिर इन स्क्रीन पे आ रहा हो तो यहीं पे क्लिक कर लीजिए, या तो आई टैब में, या चैनल पे जाके कहीं नहीं मिले तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।